हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थैंक इट्स फाइन. वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन. तो आज हम आए फिर से अपने सेटअप में. काफ़ी दिनों बाद काफ़ी बिजी रहते हैं. सैटरडे संडे मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए, तो हफ्ते में एक या दो वीडियोज़ आते हैं और तीन भी आ जाते हैं कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट जो मुझे अवेलेबल होता है. तो दिस चैनल इज रिगार्डिंग ड्रोन्स एंड टेक जो मैं यूज़ करता हूँ. तो आज का वीडियो है अगेन M31S. तो फ्रेंड्स, M31S रिलीज़ हो चुका है. 16,000 का अराउंड बेस मॉडल है, 15.5-16 के आसपास उन्होंने रखा है रेट. अब मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि M30S वर्सेस M31S क्या फ़र्क है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. बिल्कुल अब रिलीज़ हो चुका है, सब कुछ क्लियर हो चुका है और जो मेरे दोस्त M30S ले चुके हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी इसके बारे में फैलाई गई है. और हालांकि ये बेस्ट फ़ोन है 2019 का और अभी तक का भी. M31S एक लाइन की बात कहनी अपने मतलब बेसिस के ऊपर और सारा डिटेल जानने के बाद एक लाइन बोलूं तो M31S मत लीजिए. यस, लेना मेरे हिसाब से समझदारी वाली बात नहीं है. क्यों नहीं है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें और बन रहे इस वीडियो के साथ. और अगर आप नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें. और आपके क्या सुझाव है M31S के बारे में वो ज़रूर लिखें, और वाई M30S इज़ बेटर देन M31S वो मैं आपको बताने वाला हूँ. पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें. होप आपको पसंद आएगा वीडियो, और ऐसे वीडियो आते रहते हैं, हफ्ते में 2-3 वीडियोज आते हैं तो ड्रोन से रिलेटेड वीडियो आते हैं. तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें, ताकि आपका हमारे वीडियो का जो मेहनत करते हैं थोड़ा उसका अच्छा हमें फल लगे. शेयर करते हैं तो वीडियो और आगे चलता है. थैंक यू. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो फ्रेंड्स, अब हो ये हो गया है कि पहले ऐसा नहीं था, अब कुछ ज़्यादा हो गया. क्या हो गया ज़्यादा वही बताने वाला हूँ. ज़्यादा ये हो गया कि अब जो सैमसंग है, सैमसंग ही नहीं जितने भी एंड्रॉयड डिवाइसेज हैं, पहले होता था 6 महीने में एक मॉडल, फिर होने लगा 2 महीने में एक मॉडल, अब होने लगा 15-20 दिन के अंदर अंदर एक मॉडल तैयार. 15-20 दिन के अंदर एक मॉडल वो मार्केट में उतार देते हैं. तो इससे होता क्या है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कन्फ्यूजन से उनको फ़ायदा होता है. अब जो मेरे लोग, मैंने इतने वीडियोज पे अराउंड 26-27 वीडियोज बना चुका हूँ M30S पे. फ़ोन बहुत बढ़िया बनाया है उन्होंने, 6000 mAh की बैटरी है, कोई नेटवर्क इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड. OLED डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी, स्लिम प्रोफाइल, एवरीथिंग इज़ गुड अबाउट दिस फ़ोन. जब इतना अच्छा फ़ोन बना दिया है और ये अब 12,500-13,000 का लॉन्च हुआ था और अब M31 इसका भाई बड़ा लॉन्च कर दिया है, तो होगा क्या, क्या करती है कंपनी? कंपनी ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करके आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस रख के आपको कन्फ्यूज़ करती है. यही चीज़ है M31S. ऑलमोस्ट मैं कहूँ ना, एक दिन के जितना फ़र्क होगा प्रोसेसिंग स्पीड में वो आपको पता भी नहीं लगेगा. और दाम कितने बढ़ा दिए, अराउंड 3-4 हज़ार का फ़र्क डाल दिया. और एक यहाँ 3 छेद हैं, यहाँ 1 छेद और कर दिया. तो छेदों की बातें मैं पहले कर चुका हूँ कैमरे में, फ़ोन के कैमरे में छेदों के ऊपर मजा है. डोंट डिपेंड ऑन दीज होल्स व्हेन यू आर टेक बाइंग ए फ़ोन. दीज होल्स डजंट मैटर एट ऑल. अब आप इसमें 4 लगा दो, 5 लगा दो, 5 वाला भी फ्लैगशिप में डाल दिया है तो वो इशू नहीं है. क्या मैटर करता है, आपका सॉफ्टवेयर UI जो इसके अंदर है. तो ये मेरे पास iPhone XS है, इसका UI बहुत बढ़िया है. लगे इसके पीछे भी छेद हुए, इसमें 2 हैं, बट इट इज़ फार बेटर देन दिस. क्यों? इसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, दिस इज़ द रीज़न. तो अब कंपनी ने जो नया M31S आया, क्या फ़र्क मेन डाले, इसमें 4 छेद लगा दिए पीछे ताकि क्वाड कैमरा इसको कर दिया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फोटोग्राफी में. अगर आप चाहते हैं एक और छेद लेना और उसके लिए 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना, तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है एक्स्ट्रा. तो मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार का फ़ोन लेने से बजाय M30S लें, और ये अभी और डाउन होगा रेट, क्योंकि जैसे उसका रेट टाइम बढ़ेगा ये थोड़ा सस्ता होता जाएगा. तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है M30S लेने का, ना कि M31, क्योंकि M31 को आपको 3-4 हज़ार रुपये भर के मिल के आ रहा है, एक एक्स्ट्रा छेद जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. सेम बैटरी है, सेम डिस्प्ले है, प्रोसेसर का हल्का सा फ़र्क अगर होगा भी तो वो भी आपको महसूस नहीं होगा. इसका प्रोसेसर बहुत बढ़िया है, ये 4 GB वाला है, परफेक्ट चलता है. गेमिंग भी करता हूँ, सोशल मीडिया सब कुछ इसमें चलाते हैं और बहुत अच्छा बैकअप देता है 2-3 दिन का. अब कहीं मेरे भाई लोग कह रहे हैं 2-3 दिन का बैकअप नहीं मिल रहा, तो सर जब आप इसमें ऐप्स लोड करते हैं तो उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में है M30S की, कि कैसे आपको 3 दिन का बैकअप मिलेगा. आपको रेगुलरली इसको मैनेज करना पड़ता है. इसको क्या, कोई भी फ़ोन हो, मैं आईफोन लगा लो, आईफोन की तो चलो बैटरी इतनी अच्छी मैं नहीं मानी जाती, फिर भी मैं इसको अच्छे से मैनेज करता हूँ और इसको मैं 1.5 दिन निकाल लेता हूँ इसमें से भी. हालांकि लोगों का आधा दिन में ख़त्म हो जाता है. तो बैटरी का बैकअप आपको खाली
6000 mAh की बैटरी दे दी तो उससे नहीं मिलेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा फ़ोन को। मैनेज कैसे करना है, कैसे लेना है, कैसे निकालना है इसमें से पैकअप, तो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। और अगर मेरे भाई चाहते हैं कि फिर से एक डेडिकेटेड वीडियो M30S के लिए फिर से बन जाए थोड़ी और डिटेल में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बैटरी के ऊपर फिर से एक और डिटेल में वीडियो बना दूंगा। आपके लिए हैं हम, आपका जो टेक्नोलॉजी का नॉलेज चाहिए जो हमारे पास है वो मैं शेयर करता हूँ, और जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके अलावा भी एक मेरे भाई ने लिखा था कि इसके GPS के बारे में प्रॉब्लम बता रहे हैं लोग कि इसको GPS पे लेके चलो तो सिग्नल गायब हो जाता है, पता नहीं लगता, हम कहीं का कहीं भटक जाते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, पर आपको डाउट क्लियर ये कर देता हूँ कि इसमें कोई GPS की प्रॉब्लम, मतलब वो जो गूगल मैप्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लेके मैंने नेविगेट किया हुआ है, यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक गाड़ी लेके गया हूँ और इसके मदद से, और कभी भी मैं नहीं भटका, तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके गूगल मैप और उसमें GPS में। सो डोंट ब्लेम दिस फ़ोन, बहुत अच्छा फ़ोन है जिसके पास है मेरे भाई। अभी अभी कमेंट कर दो, तारीफ नहीं कर रहा मैं, सच बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, काफ़ी लोगों ने लिखा है, थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स। तो अभी भी जिसके पास ये फ़ोन है ले ले, जिसके पास नहीं है वो ले ले, M31 की तरफ मत जाए, लालच मत करे वो छेदों का, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं है उसमें अलग, सेम चीज़ परोसी जा रही है थोड़ी महंगी करके एक छेद लगा के। 100 अक्षर की एक बात, M30S इज बेटर, M30S द गुड फोन इन दिस मिड सेगमेंट। मिड सेगमेंट की बात हो रही है, मिड सेगमेंट में ऐसे लालचों में मत फंसें, जो आपको अच्छे रेट पे चीज़, अच्छे फीचर देने वाली चीज़ मिल रही है उसका फ़ायदा उठाएं। इस वीडियो से आपके 3-4 हज़ार रुपये बच रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मत लगाएं M31S पे पैसा, 4-5 हज़ार जो एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको सेव करें, उसके जगह कुछ और ले लें गैजेट्स में, हेडफोन ले लें, इसका 3D एटम्स इन्जॉय करें, हेडफोन यार इसका साउंड जो 3D एटम्स इसमें है फॉर्मेट हाई एंड फोन में आता है तो वो चला के देखें कितना मज़ा आएगा आपको। तो वो 3-4 हज़ार रुपये खर्चने के बजाय M30S बाय करें और उसके साथ अच्छा सा हेडफोन लें, वायरलेस ले लें, जो मर्जी ले लें, फिर इसको एंजॉय करें। तो मैसेज इस वीडियो का यही है कि M31S लेने में कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है, ये मेरे सुझाव हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लोगों को शेयर कर चुका हूँ, काफ़ी ने उसमें अपना भरोसा दिलाया है, भरोसा रखा है, उसी के बेसिस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि M31S लेने का इतना सा भी फ़ायदा नहीं है। अपने पैसे बचाएं, M30S मिड सेगमेंट फ़ोन लेने की सोच रहे हैं, बेस्ट फ़ोन है M30S, अभी ले लो, इससे बढ़िया फ़ोन नहीं बना अभी तक मिड सेगमेंट। बाकी इससे ऊपर वाले सेगमेंट में जाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा जो नोट 10 लाइट आया है या सैमसंग S10 जो लाइट इन्होंने निकाला है उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपका थोड़ा सेगमेंट बदलेगा जब नोट सीरीज़ की तरफ जाते हैं, उसमें आपको स्टाइलस मिलता है, वो पर्सनली मुझे भी पसंद है। तो मिड सेगमेंट से निकलना है और फ्लैगशिप सेगमेंट में नहीं घुसना है तो लाइट सेक्शन में जाएं। उसके अलावा बीच में जो A70 और ये जो आ रहे हैं ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ छेद बढ़ाए जा रहे हैं और पैसे ऐंठे जा रहे हैं और कुछ नहीं, पागल बनाए जा रहे हैं। तो पागल मत बने, मेरा सुझाव ले छोटा सा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लें, बाकी मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको M31 पसंद है तो लें, बट मेरी रिकमेंडेशन, मेरा सुझाव एज ए डोंट अ डॉक्टर, एज एक्सपीरियंस टेक से भी, मतलब जो मैं अपना नॉलेज मैं रखता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट बाय M31S, गो फॉर M30S, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, और थोड़े दिन और वेट करेंगे तो इसका प्राइस और डाउन जाएगा और और फ़ायदा होने वाला है। तो यह था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया होगा। तो कोई भी आपका सवाल रिगार्डिंग एनी ऑफ द फोन्स, एनी ऑफ टेक, मतलब गैजेट्स के बारे में है तो नीचे लिखिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा टाइम लगता है कई बार पर मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और दैट्स इट, और आपको ताला कैसा लगा डिजिटल वाला, मुझे तो फिंगर टच वाला बहुत अच्छा लगा, जिसने लिया ज़रूर ले, और वीडियो नहीं देखा तो मैंने कार्ड्स में डाल दिया, एंड स्क्रीन में ज़रूर देखें, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।